आंख बंद करो दोनों, आंख बंद करो दोनों, कसम है दोनों ने आंख बंद करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एबी 7000 ब्लॉग। गुड इवनिंग दिल्ली। दिल्ली आ चुका हूँ भाई, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था। तो अभी बस शाम को निकला हूँ मैं अपना रेडी वेडी होके, एक शादी में जाना है फरीदाबाद और फिर मुझे डायरेक्ट वहाँ से निकलना है अपना उत्तराखंड। मैंने बताया था आपको लास्ट ब्लॉग में भी मुझे कुछ काम है उत्तराखंड। तो अभी तो भाई मैं घर से निकल गया हूँ और अभी संयम भावता ब्लॉग और मनीष भी मिलेंगे मेरे को रास्ते में, साथ में ही जाएंगे तीनों, काम है हमें कुछ वहाँ पे। तो पहले फरीदाबाद शादी में जाएंगे, थोड़ा सा दिल्ली का मतलब बहुत दिन से मिस भी की थी ना सारी चीज़ें, क्योंकि 10 दिन से मैं बाहर था, तो आज थोड़ा सा इन्जॉय भी हो जाएगा भाइयों के साथ। वहाँ शादी में मिलना है किसी से, फिर चलेंगे उत्तराखंड। तो अभी चलते हैं पहले सोनू को, सोनू मीन संयम भावता ब्लॉग, सन्नी को मैं ले लेता हूँ और उसके बाद में आगे चलते हैं। तो चलो गाइस, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है भाई अपनी सन्नी भाई के यहाँ पे और आज हम छोटी गाड़ी से जाएंगे उत्तराखंड i10। एक दोस्त है मेरा, उसे देखनी है, हमें गाड़ी प्लान कर रहे हैं बेचने के लिए सन्नी भाई, तो इसलिए इसी को ले जा रहे हैं कि वो यहाँ पे आता तो दिक्कत हो जाती, उसे दूर पड़ता। खोलो टिक्की खोलो। तो गाइस चलो फाइनली बैठ चुका हूँ मैं भी गाड़ी में, ये रहे सन्नी भाई। सन्नी मावता जी हाय, हेलो। हेलो जी, हेलो मनीष भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। तो भाई बढ़िया, ये दोनों देख लो। ओ ये कौन जा रहा है देखियो, ओ भाई यू सूबेदार कौन जा रहा है। तो भाई ये 10 दिन में बाहर था ना, तो इन्होंने पता नहीं मिस किया नहीं किया, बट फोन डेली आते थे इनके भी, रोज बात हो। लिमिटेड बंदे जिनके फोन आते थे, राजू हो गया, मनीष भाई हो गए और सन्नी जी हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं भाई शादी में एक में, और अभी चल के मिलते हैं, फन करेंगे थोड़ा सा, कल उत्तराखंड निकलेंगे। आप एक गाड़ी रोको ना, दोनों एक बार लेफ्ट में लगाओ गाड़ी, लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ, यहीं लगा लो। लगानी है? हाँ और क्या, जिसमें बोल रहा हूँ तो लगानी है, जब मैं इसमें बोल रहा हूँ तो लगानी है ना भैया। आँख बंद करो दोनों, आँख बंद करो दोनों, कसम है दोनों ने आँख बंद करना। अब खोलो। अच्छा, तो मैंने सोची भाई भाइयों के साथ में थोड़ा सा, आज शादी हो जाए कल को खर्चा इसको तू देगा। ये देख लो, ये कोई कांग्रेचुलेशन नहीं करी, दावत पे निगाह मार रहे हैं, देख लो भैया। ये पहले भाई एग्रीमेंट करवा ले, दावत पहले, दावत जरूर। कलर बता सानू कैसा? बढ़िया। तो भाई ब्लॉगिंग के लिए प्रॉब्लम होती थी ना, ये जो अपना पहले वाला है 13 प्रो मैक्स, इसमें दिक्कत होती थी, मेमोरी कम थी है ना, 256 GB, 128 सॉरी, तो फुल हो जाता है, हीट वीट करने लगता है क्योंकि लोड बहुत पड़ता है ना, बड़ी वीडियोस बनती हैं, तो इसलिए फिर ये लेना पड़ गया मजबूरी में। इंदौर से आते ही मैंने राजस्थान से तुरंत ही ले लिया। तो अभी चलते हैं, चलो एनी हाउ शादी में पहुँचते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। अभी और भी टीम वहाँ से आ रही है, उनसे भी मिलवाता हूँ आपको। तो है तभी मैं आ चुका हूँ भाई साकेत के पास, आपने देखा होगा जो भारी नुकसान वाला ब्लॉग था मेरा, 4th या 5th नंबर का ब्लॉग है, तो इसका डाटा ट्रांसफर करा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, मेरा नया वाला फ़ोन। आपको जुगाड़ हो जाएगा ये बता मुझे, क्योंकि मुझे उत्तराखंड निकलना है अभी रात को ही, तो फिर उसी के लिए फ़ोन लिया, और अगर नहीं होगा कामयाब तो फिर भाई नई सिम से नई आईडी बनाएंगे, वही ऑप्शन है। तो भाई बहुत बड़ा स्टोर है देखो साकेत का, कभी भी कुछ लेना हो आपको, टीवी फ्रिज मोबाइल वगैरह, तो बहुत रीजनेबल रेट पे मिलते हैं, बहुत मतलब के आराम। तो गाइस भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूं फरीदाबाद, ये मेरा संजय, इनके यहां पे शादी में आया हूं मैं, संजय के साले की शादी है। संजय भाई हाय बोल दो एक बार जरा। हाय फ्रेंड्स, बहुत एंजॉय किया है। और मेरा मतलब पहला ऐसा दोस्त होगा जो नए फोन में पहली वीडियो में जो बंदा आ रहा है, और किसी की मैंने ली नहीं है। तो अभी बारात चढ़ रही है, उसको दिखाता हूँ आपको जो बारात चढ़ रही है। जब निकल गए भाई शादी में से, सोनू भाई तो बिल्कुल ग्लो मार रहे हो भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। ये देखो पीछे बंदा आ रहा, कहाँ गया उस्ताद? तो यहाँ सकल तो देखा, सो तो हम भी रहे हैं। हेलो सर। तो अब सोनू क्या करे, रात में ही लगा दे उत्तराखंड? ना ना सुबह चलेंगे, मॉर्निंग। अभी हाईवे में सफर नहीं करना चाहिए। नहीं स्लो स्लो चलेंगे, पता क्या करना,
ना, अब रेस्ट करेंगे, नींद भी आ रही है सोई में। तो भाई हमारा कहने का यही मतलब है कि रात वात में ड्राइव मत किया करो, कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो बात अलग है, बट फिर भी अवॉइड करो। अगर काम चल जाता हो रात में ड्राइव ना करने से, तो सुबह की ड्राइव यानी कि दिन में शाम को 6-7 बजे से पहले तक जहाँ पहुँच रहे हो अपना होटल ले लो, रास्ते में रुक जाओ, एक दिन लेट पहुँच जाओ, बट सेफ्टी जरूरी है। सोनू भाई सर सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। तो अभी हम निकल गए गए शादी में से, और हर व्लॉग में मैं ऐसी कुछ ना कुछ आपको बातें बता ही देता हूँ, आपको अच्छी लगे फॉलो करना आपकी मर्जी है, नहीं करना तो भाई वो आपकी मर्जी है। क्यों मनीष भाई सही बोल रहा हूँ ना? तो गाइस अभी पहुँचते हैं हम अपना नोएडा ही रुकेंगे, और फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह निकलेंगे हम यहाँ से उत्तराखंड के लिए। तो अभी पहुँच के मुलाकात करते गए। गाइस भाई हम पहुंच गए हैं अभी अपना अपने विला पे फ्लैट में, और सुबह निकलेंगे यहाँ से। हमने वही है कि सुबह नाइट में बेकार होता है ना, नाइट में यार ट्रैवलिंग करना ठीक नहीं होता, क्यों सनी जी? हाँ जी बिल्कुल जी। तो अभी भाई बस व्लॉग एडिट करेंगे, छोटा ही व्लॉग था, कल निकलेंगे उत्तराखंड के लिए, बढ़िया बढ़िया अपना व्लॉग आपके लिए लेके आते हैं। बाबा नीम करौली भी जाना है हमें, बहुत दिन हो गए, और हनुमान जी का बर्थडे भी है 2 दिन बाद। तो अभी गाइस बस नींद आ रही है बहुत तेज़, अर्ली मॉर्निंग निकलना भी है, तो फिलहाल तो अपना लेटते हैं और व्लॉग एडिट करके अपलोड करते हैं। मेरे को वैसे शादी वादी ना यार ये जितनी मैंने मजबूरी में जाता हूँ मैं, बहुत मतलब बहुत जहाँ पे ज़रूरी हो, वरना मेरा ना मन नहीं करता शादी वादियों में जाने का कहीं भी, बेकार चीज़ है। गर्मी आ चुकी है भाई आपने देखा, मैंने इसलिए कपड़े उतार दिए, एसी चला दिया। तो अब बस मिलते हैं गाइस, सोते हैं थोड़ी देर बाद, फिर कल के नए व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय गाइस, लव यू।